What's up guys, welcome to another video of Smart Advisor and आज हमारे पास है बहुत ही special product that is the Realme C2. हम करने वाले हैं इसकी unboxing and करने वाले हैं इसका detail review, so देखते रहिए. And अगर आपने हमारे channel को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe का button जरूर दबा दें and bell icon को भी hit कर दें because बहुत मेहनत लगती है एक video बनाने में. So let's get started. सो गाइज, दिस इज़ द बॉक्स ऑफ द Realme C2. काफ़ी प्रीमियम लग रहा है एंड जो Realme C2 है वो टू कलर्स में आता है, डायमंड ब्लैक एंड डायमंड ब्लू, एंड दिस इज़ द डायमंड ब्लैक कलर. एंड इसके अंदर टू वेरियंट्स आते हैं, 2GB एंड 16GB, एंड दिस इज़ द 3GB एंड 32GB वेरियंट. तो चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं. सो ओपनिंग अप द बॉक्स, सबसे ऊपर हमको मिल जाता है एक और बॉक्स एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है हे वेलकम टू Realme फैमिली. एंड चलिए इस बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है. एंड सबसे पहले हमको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, सम क्विक स्टार्ट गाइड्स एंड द पेपर वर्क्स. चलिए इन सबको हम साइड में रख देते हैं. एंड हियर इज द फोन, चलिए इसको भी साइड में रखते हैं एंड देखते हैं क्या और कुछ मिलता है हमको बॉक्स के अंदर. सो वी गेट द चार्जिंग ब्रिक. ये जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, सो इट्स अ 5W एंड 2A चार्जिंग ब्रिक. सो इसको साइड में रखते हैं. एंड हियर इज द microUSB केबल. काफ़ी प्रीमियम फील हो रही है microUSB केबल, इट्स वेरी नाइस. काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरीज Realme C2 के साथ हमको मिलती है. चलिए सबको साइड में रखते हैं. सो हेयर इज द Realme C2, चलिए इसको अनरैप करते हैं. सो गाइस, इसके ऊपर जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, देखिए. तो दिस इज़ वेरी नाइस बाय Realme. तो चलिए मैं फटाफट से आपको फिजिकल ओवरव्यू देता था इस फोन का. सो फ्रंट में हमको मिल जाती है 6.1 इंच की HD+ डिस्प्ले एंड यहाँ पे हमारे पास ईयर पीस एंड दिस इज़ द 5MP फ्रंट कैमरा. एंड टॉप पे हमको कुछ नहीं मिलता है एंड ये है हमारा पावर बटन. एंड बॉटम में हमारे पास 3.5mm जैक, द 2 माइक्रोफोन्स, द microUSB पोर्ट एंड द स्पीकर ग्रिल. एंड यहाँ पे हमको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स एंड दिस इज द सिम ट्रे. चलिए सिम ट्रे को खोल के देखते हैं कि डू वी गेट द हाइब्रिड स्लॉट और दिस इज अ ट्रिपल स्लॉट. सो दिस इज अ ट्रिपल स्लॉट, यहाँ पे हम डुअल सिम और एक microUSB कार्ड डाल सकते हैं. सो दिस इज रियली नाइस बाय Realme. सो बैक में हमारे पास 13MP का मेन सेंसर एंड दिस इज द 2MP डेप्थ सेंसर एंड दिस इज द LED लाइट. एंड हमको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ये जो फ़ोन है बजट फ़ोन है, इट्स ओनली ऑफ 6,000 रुपीज. एंड यहाँ पे हमको मिल जाती है Realme की ब्रांडिंग एंड दिस इज द क्रिस क्रॉस पैटर्न, दैट इज़ द डायमंड कट पैटर्न. जो कलर है डायमंड ब्लैक है, बट इसके ऊपर हमको जो है डार्क ब्लू कलर का एक्सेंट्स मिल जाते हैं. और हमें इसके अंदर 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है. तो फ़ोन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हैंडी है. तो चलिए फ़ोन को स्विच ऑन करते हैं एंड देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है. फ़ोन जो है ऑन हो गया है एंड मैंने इसको सेटअप भी कर लिया है एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर लिए हैं इसके अंदर. तो मुझे इसका जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इनफैक्ट स्क्रीन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है 6,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग. तो देखते हैं हम इसके अंदर हमको कौन सा एंड्रॉयड वर्जन मिलता है. सो हियर वी गेट द एंड्रॉयड 9 ऑन विद कलर OS 6.0 ऑन द टॉप. तो फ़ोन जो है कहीं पे भी लैग नहीं किया, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. इस फ़ोन का स्पीकर टेस्ट एंड स्क्रीन क्वालिटी टेस्ट भी कर लेते हैं. स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी क्रिस्प कलर्स हैं. डिफ़ॉल्ट जो है मैक्सिमम आप इसके ऊपर जो है सिर्फ 720p ही सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये जो है HD+ डिस्प्ले है, इट्स नॉट अ फुल HD+ डिस्प्ले. तो आप 720p से ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं. एंड स्पीकर क्वालिटी की हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी लाउड है. हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर हमको मिलता है MediaTek का P22 प्रोसेसर. तो देखते हैं इसके ऊपर PUBG खेल के कैसी इसकी परफॉर्मेंस है. गेम्स के लिए हमको इसके अंदर स्पेशल गेम सेंटर मिल जाता है, दैट इज़ रियली नाइस. इसके अंदर एड्स आती हैं बट वी कैन स्किप इट एंड फ्रॉम जनरल हम माई गेम्स के अंदर जाकर यहाँ पर PUBG ओपन करते हैं. एंड देखिए जैसे ही हम PUBG ओपन करेंगे तो ये जो है RAM को क्लियर कर देगा एंड नो डिस्टर्बेंस एंड नो नेटवर्क नोटिफिकेशंस को ऑन कर देगा.
चलिए PUBG खेल के देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। डिफ़ॉल्ट जो है ग्राफिक्स स्मूथ पे सेट है एंड फ्रेम रेट मीडियम है, तो सबसे लो ग्राफिक्स के ऊपर ये सेट है। चलिए एक डेथ मैच खेलते हैं, देखते हैं क्या ये लैग कर रहा है। सो गाइस डेफिनेटली इसके अंदर हमको थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है, एकदम स्मूथ नहीं चल रही है गेम। फ्रेम रेट्स ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। PUBG का एक्सपीरियंस तो इसके ऊपर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा था, इनफैक्ट फ्रेम ड्रॉप्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो चलिए सबवे सर्फर ट्राई करते हैं इसके ऊपर, अगर ये इसके ऊपर अच्छी चलती है तो अगर गाइज आप प्लान कर रहे हैं इस फ़ोन को लेने का फॉर प्लेइंग PUBG, तो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड, बिकॉज P22 प्रोसेसर जो है दैट इज़ अ लो एंड प्रोसेसर, वो PUBG हैंडल नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट नॉट इवन अ लो ग्राफिक्स। बट सबवे सर्फर जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, इसके अंदर मुझे कोई लैग नहीं देखने को मिल रहा है एंड कोई इशू नहीं है। तो डेफिनेटली छोटी गेम्स जो हैं इसके ऊपर लाइट गेम्स बहुत स्मूथली एंड चल जाती हैं। एंड गाइज मैंने इसके ऊपर कॉल क्वालिटी भी चेक करी, तो कॉल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से कैमरा टेस्ट के ऊपर एंड देखते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस कैसी है। सो गाइज वी आर हियर फॉर द कैमरा टेस्टिंग ऑफ रियलमी C2, देखते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। सो गाइज इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, जो कलर्स हैं पिक्चर्स के वो काफ़ी क्रिस्पी और पंची हैं। इसके अंदर हमको डिफरेंट कैमरा मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए ये जो पिक्चर है वो नॉर्मल कैमरा मोड से ली गई है एंड ये जो है 2x जूम से ली गई है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आई है, बिल्कुल पिक्सल्स नहीं फट रहे हैं। एंड ये जो है पोर्ट्रेट मोड से ली गई है। चलिए फ्रंट कैमरा भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये पिक्चर फ्रंट कैमरा के नॉर्मल मोड से ली गई है और इसके अंदर हमको जो है फ्रंट कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल के पिक्चर्स क्लिक करता है, काफ़ी क्लियर और काफ़ी क्रिस्पी पिक्चर्स हैं फ्रंट कैमरा से भी, इनफैक्ट एज डिटेक्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो रियलमी C2 का कैमरा तो भाई बहुत ही कमाल का है, मज़ा आ गया इसके पिक्चर्स देखकर। और अगर हम बात करें रेडमी 7A की, तो रियलमी C2 का जो परफॉर्मेंस है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो कैमरा क्वालिटी है, वो रेडमी 7A से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और अगर आप कंफ्यूज है रेडमी 7A और रियलमी C2 के अंदर, तो मैं कहूँगा रियलमी C2 जो है बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। और सबसे कमाल की बात है कि रियलमी C2 24x7 अवेलेबल है, आपको फ्लैश सेल की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द रिव्यू एंड द अनबॉक्सिंग ऑफ द रियलमी C2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।